आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इस NYBae की रनवे फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक। इस एक स्टिक के इतने सारे नेम्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आते हैं बहुत सारे कलर्स। आपकी स्किन की नीड हो, जैसी आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो, आप उससे रिलेटेड एक स्टिक मंगा सकते हैं और अपने फेस पे, स्किन पे, मेकअप के टाइम पर उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो ये मंगाई है अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग मंगाई है, मीन्स मुझे ये फाउंडेशन का कंसीलर का काम बहुत अच्छे से करके देगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टोरिंग जो लिखा है और कलर करेक्टर स्टिक जो लिखा है, इसका मतलब हो गया कि आपको इसमें एक शेड मिलेगा जो आप जिस शेड से कॉन्टोरिंग करते हैं, जो डार्क ब्राउन कलर का शेड होता है, डार्क कलर का शेड होता है, वो भी आपको इसमें जो है अवेलेबल मिल जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। देन कलर करेक्टर स्टिक से मतलब हो जाता है कि जैसे आपने देखे होंगे कि एक ग्रीन कलर की जो स्टिक आती है, ग्रीन कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, उनका मतलब होता है जैसे ग्रीन कलर यूज किया जाता है जो हमारे स्किन में अगर रेडनेस है, किसी किसी की स्किन में रेडनेस होती है नोज एरिया के आसपास या किसी पिंपल से रिलेटेड कोई भी रेडनेस है, अगर कोई भी रेडनेस है तो आप ग्रीन कलर की स्टिक को वहां पर यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ उतने ही एरिया पे वो ग्रीन स्टिक लगानी है, ग्रीन कलर लगाना है, और उसके बाद जो आप मेकअप का प्रोसेस करते हैं जैसे फाउंडेशन वगैरह वो अप्लाई कर लीजिए, तो उससे क्या होता है वो जो रेडनेस है ना वो आप की छुप जाती है उस ग्रीन कलर की वजह से। और जो ऑरेंज कलर होता है वो यूज किया जाता है डार्क सर्कल्स के लिए, जिन्हें बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, जिन्हें कम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डार्क या लाइट शेड को चूज किया जाता है। तो स्टिक में भी आते हैं बहुत सारे शेड्स, किसी को लाइट करनी है, किसी को डार्क करनी है, या अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग भी तो करनी पड़ती है। जैसे स्किन टोन होती है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो कॉन्टोर स्टिक मंगाता है, तो ये जो शेड्स होते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं इन स्टिक्स में। अगर आपको ये जो कंफ्यूजन होगी ना कि ये इतने सारे कलर्स क्यों दिए जाते हैं, तो वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपनी अपने स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको परचेस कर सके, बाय कर सके और यूज कर सके। तो मैंने तो जो मंगाई है वो है फाउंडेशन कंसीलर स्टिक, मतलब ये जो मेरी स्टिक है ना मेरे फाउंडेशन का भी वर्क करती है और साथ ही साथ कंसीलर का वर्क कर जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने आप सबके साथ पहले भी एक NYBae की ना फाउंडेशन कंसीलर स्टिक का जो है रिव्यू शेयर कर रखा है, क्योंकि ये जो स्टिक्स है मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना इस टाइप की स्टिक्स बहुत अच्छी लगती है, मेकअप करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। मतलब आपको बहुत जल्दी से रेडी होना है ना, तो बस आपने ये स्टिक फटाफट लगानी है और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेनी है, बस कोई झंझट नहीं। लिक्विड फाउंडेशन है या कोई भी ट्यूब फाउंडेशन है या किसी भी तरीके का, उनको लगाने में जैसे थोड़ा सा टाइम चला जाता है ना, तो ये जो होती है बहुत फटाफट से मैं इससे मेकअप कर लेती हूँ। मतलब मुझे बहुत पसंद है इस तरीके की स्टिक। और अभी भी देख लीजिए, ये जो मैं रेडी हुई हूँ, मैंने अपने फेस पर इसे अप्लाई कर रखा है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की स्टिक। तो देखिए, ये रही वो स्टिक, NYBae की छोटी सी प्यारी सी स्टिक है। और प्राइस की बात करूँ तो प्राइस यहाँ पर इसका मेंशन है 179 रुपीज है, बट डिस्काउंट हमेशा अवेलेबल रहता है पर्पल पे, और जब सेल चलती है ना तब आप इसे परचेस करो, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। मुझे ये पड़ी थी 105 रुपीज में। देखिए प्राइस कहाँ है इसका 179, बट मुझे मिली 105 में। तो सेल का जो फायदा होता है ना उसे जरूर उठा लिया करो। तो देखिए ये है हमारी ये वो स्टिक, प्यारी सी छोटी सी स्टिक है, और जैसा लिपस्टिक जैसा केस ही लगता है इन स्टिक्स का देखने में। और जो मेरा है ये देखिए, मैंने इस तरीके की शेड मंगा रखी है जो मेरा ना फाउंडेशन का भी वर्क करेगी, कंसीलर का वर्क करेगी। स्टिक मंगवाई है मैंने अपने लिए ताकि मैं फाउंडेशन की तरह भी इसको अप्लाई कर लूँ और कंसीलर के लिए भी इसे यूज़ कर सकूँ। और जो मेरी शेड नंबर है वो है 3, मेरा शेड नंबर देख लीजिए है यहाँ पर 3। तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं, पर मुझे ये जो शेड है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल मैच किया है मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, मुझे ये बहुत पसंद आया है शेड। तो बात करते हैं इसकी कवरेज की। तो देखिए कवरेज ये आपको देगा मीडियम, आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज ये बिल्कुल भी नहीं देगा, आपको ये मीडियम कवरेज देगा। और अगर आपको ज़्यादा डार्क स्पॉट्स या कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको उस जगह पे डबल ही अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी वो चीज़ थोड़ी और अच्छे से हाइड हो जाए। आपको इसे अप्लाई कैसे करना होता है? नॉर्मल जैसे कि आप कोई भी फाउंडेशन वगैरह यूज करते हैं उस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। अपने फेस को अच्छे से क्लीन करिए, फिर अपने फेस पे अच्छे से टोनिंग करिए, और उसके बाद देखिए मैं किस तरीके से इस स्टिक को अच्छी तरीके से अपने फेस पे लगा लूंगी। और देखिए कितना ईजी रहता है ना इस तरीके की, अगर हम कोई फाउंडेशन स्टिक ले लेना तो बहुत ईजी रह जाता है, फटाफट से बस आपको इस तरह लाइन्स बनानी है और उसके बाद इसे ब्लेंड कर लेना है, और ये बहुत ईजिली ब्लेंड होता है, बहुत ईजिली। पर्सनली ऐसा लगता है ना कि ये जो
स्टिक होती है ना, फाउंडेशन स्टिक होती हैं, ये ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा आप अपने हाथों से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। मुझे तो देखिए, मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड करती हूँ ऐसी जो भी स्टिक्स होती हैं। मैं लिक्विड फाउंडेशन होता है तो ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करती हूँ, वो अच्छी तरीके से उसको जो है ब्लेंड कर देता है। बट इस तरीके की जो स्टिक है वो मुझे इस तरह हाथ से ही ब्लेंड करना अच्छा लगता है, ज़रा अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती हैं। बस इस तरीके से इसे लगाने के बाद हम अपने हाथों से कर देंगे इसे ब्लेंड, और इसे ब्लेंड करना बहुत ही इजी है, मतलब ये इजीली ब्लेंड हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा अपने हाथों को प्रेस करके रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो जाती है। कवरेज देखिए, इसकी मीडियम ही कवरेज है, हाई कवरेज नहीं है। तो अगर आप इसे डेली यूज़ में यूज़ करना चाहते हैं, आपको डेली हल्का फुल्का जैसे मेकअप चाहिए होता है, आप डेली घर से बाहर जाते हैं किसी न किसी वर्क के लिए और आपको एक हल्का सा मेकअप चाहिए, तो आप इस स्टिक को यूज़ कर सकते हैं। तो फिर फाइनली मैंने आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आपको कैसी कवरेज देगा, प्राइस वगैरह सब आपको मैंने बता दिया है। और अगर शेल्फ लाइफ की बात करें तो वो यहाँ पर आपको इसकी 3 साल की शेल्फ लाइफ दी हुई है। अगर आपने एक बार परचेस कर लिया है तो ये 3 साल तक आपका खराब नहीं होगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एक बार वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन कलर के अकॉर्डिंग आप इसे चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।